बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हिदमत हूँ। इस वीडियो में हम विटामिन ई के कैप्सूल के मुताबिक बात करेंगे कि विटामिन ए के कैप्सूल कहाँ कहाँ और कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो विटामिन ई जो है, इसको दो तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको खाया भी जाता है और स्किन के ऊपर लगाया भी जाता है। तो ये दोनों तरीकों से फ़ायदेमंद होता है। लेकिन साथ ही साथ चीज़ याद रखें कि विटामिन ई के कैप्सूल डॉक्टर की हिदायत के बगैर अगर आप खाएँगे तो ये आपके लिए जो है कोई इतना खास जो है फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि हर बंदे के अंदर का सिस्टम जो है मुख्तलिफ होता है। तो अगर आप किसी भी डॉक्टर की हिदायत के बगैर आप कोई भी मेडिसिन जो यूज़ करते हैं तो वो आपको फ़ायदा तो ठीक है, जो आप लेना चाहते हैं वक्ती तौर पर शायद वो आपको दे दे, लेकिन ये कि उसके साथ आपके लिए कोई ना कोई मसला जो है वो खड़ा ना कर दे। तो आप विटामिन ई जो है अगर आप नेचुरल तरीके से हासिल करना चाहते हैं, वो कुछ चीज़ें उनसे हम वैसे ही हासिल कर सकते हैं। जैसे आप चलगोजे हैं बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें खाएं, नाशपाती खाएं, इस तरह की चीज़ें जो है खाने से जो है आप जो है विटामिन ई काफ़ी मिकदार में ले सकती हैं। और जहाँ पे लगाने की बात है तो लगाने में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं, यानी जो हम फ़ायदे लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि अगर हम इसको किसी भी बालों की रेमेडी, कोई भी बालों के लिए रेमेडी बनाते हैं, यानी बालों को लंबा करने के लिए, बालों की खुश्की दूर करने के लिए, तो उसके लिए हम जो भी हम रेमेडी बना रहे हैं अगर उसमें हम विटामिन ई के कैप्सूल खोल कर डाल देते हैं तो वो हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा देगा। दूसरे नंबर पर अगर जो है आप की आंखों के नीचे स्याह हल्की और आप हल्के दूर करना चाहते हैं, तो जहाँ पे वो खीरे के कतले और आलू वगैरह का मसाज वो आंखों के नीचे करने से इसको वक्ती तौर पर दूर किया जाता है, तो वहाँ साथ ही साथ विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं ये बड़े कारामंद साबित होते हैं। तो विटामिन ई का कैप्सूल लेकर इसको जो है खोल के वो डाला जाए, वो खोल के आंखों के नीचे मसाज किया जाए, तो ये भी आंखों के हल्के फ़ौरन दूर करता है। इसके नंबर तीन पे अगर आपके चेहरे पर कोई भी पिंपल्स के बाद दाग वगैरह रह गए हैं, या वो जो काकड़ा लाकड़ा होता है उसके की वजह से जो आपके चेहरे पर आपके जिस्म पर दाग हैं, जो कि बीमारी तो खत्म हो गई लेकिन दाग जो है वो अपना असर नहीं छोड़ रहे, तो वहाँ पे अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल का वो खोल के उसके अंदर से उसके लिक्विड का मसाज करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये बड़ा सूदमंद होगा, ये बड़ा आपको फ़ायदा देगा और जल्द से जल्द आपके चेहरे के वो दाग धब्बे दूर कर देगा। इसके अलावा जिनके विटामिन ई के कैप्सूल के मुतालिक मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।